हेलो गाइस, देखो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हम लोग अजमेर के लिए निकलेंगे। गाइस हम लोग निकल चुके हैं, वहाँ पे इल्मा और अलीशा है, वहाँ पे ये भी है, नीचे अम्मी है और खाला है और हम लोग बहुत सारे लोग हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस हमें पता नहीं था कि हम लोग अजमेर के लिए निकलने वाले हैं, सडनली प्लान बना तो हम लोग जा रहे हैं अजमेर शरीफ। कहते हैं वहाँ पे बुलावा जब तक नहीं आता जब तक कोई नहीं जा सकता, तो हमारा बुलावा था शायद, इसलिए हमारा सडन प्लान बना। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इस ट्रिप का ब्लॉग शेयर करूँगी, जिसमें मैं छोटे छोटे से क्लिप लूँगी और मैं चाह रही हूँ ये मैं ब्लॉग शूट करूँ। गाइज हम लोग पहुंच गए, नहीं पहुंचे नहीं है अभी, है ना, अभी टाइम लगेगा, बट हम ढाबे पे रुके चाय पीने, चाय नाश्ता, जयपुर का नज़ारा देख के मज़ा आ गया। चलो मिलते हैं, अब पहुंचने के बाद ही मिलूंगी हम। आप सब पहुंच गए हम, गाइज वी आर रीच, और अब हम यहाँ से ऑटो रिक्शा समथिंग करेंगे। यार हमें बस वाले ने ना बीच में उतार दिया, अब यहाँ से 30 रुपये पर सवारी जाएगा और हम लोग हैं 10 लोग, 11 लोग हैं हम, वैसे 2 बच्चे हैं छोटी। देखो हम ये क्या बोलते हैं इसको, फटफट सेवा काइंड ऑफ। तो हम इसमें बैठे 4 लड़कियां पीछे और बाकी सारा खानदान आगे। पहुंच गए हैं हम लोग, गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, सारे लोग देखो हमारे बारे, हम लोग टोटल 11 लोग आए हैं, पूरी टीम बना के दिखाती हूँ सबको। दर्द इतना ज़्यादा था मेरे, और अब यहाँ आने के बाद 3री मंजिल पे हम हैं होटल में, और 3 बार मैंने 3 मंजिल का अप डाउन कर लिया, बहुत दर्द होता। यह है हमारा रूम जो कि हम सारे 11 के 11 बंदे यहीं रुकने वाले हैं। एक ये बेड है और ये मिलिए, सारे लोग हमारे ही साथ हैं। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं नमाज के लिए जुम्मे की, होटल से निकल के नंगे पांव नहाना धोना कर लिया हमने, बहुत अच्छा फ्रेश लग रहा है। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर, यहाँ आते एक अजीब और प्यारी वाइब आ रही है और मैं देख दिखाती हूँ यहाँ पे। मुझे बिल्कुल अंदाज़
अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे आके इतना अच्छा फील होगा. मतलब खुद ही मैंने जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और बहुत से लोग रो रहे थे यहाँ पे. मैं पहले भी गई थी एक बार एक दरगाह में और यहाँ पहली बार आई हूँ अजमेर में. बस यही कहूँगी कि इनसे दुआ करने का यही तरीका होता है कि आप खुदा से हमारे लिए दुआ कीजिएगा, यही तरीका होता है. और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुद ही आंखों में आंसू आ गए. अच्छा लगा एक्सपीरियंस शेयर करना था. ये ऊपर देखिए, ये चांदी का है पूरा और इसके ऊपर जो लगा है वो सोने का है, प्योर चांदी का. और वो जो ऊपर दिख रहा है गुम्बद, वो सोने का बना हुआ है. हम लोग यहाँ पहुँचे थे ज़ोहर की नमाज़ से पहले, जुमे की नमाज़ पढ़ी हमने यहाँ पे. और अभी हमें यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और हमें बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं हो रहा है यहाँ पे. भूख लग 5 बजने वाले हैं और हमें बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं हो रहा है यहाँ पे. भूख लग रही है? भूख लग रही है? नहीं लग रही. हाँ जी, बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं है और पता नहीं क्यों है ना, भूख नहीं लग रही ना. भूख लगी है अभी तक? हमने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, जब भी भूख का एहसास ही नहीं हो रहा. विभा ने तो एक बार सुबह खाया था ब्रेकफास्ट करके, उल्टी हो गई थी इसको. मुझे भूख लग रही है? लग रही है तो यहाँ भूख का एहसास ही नहीं हो रहा. ऊपर आ जाओ, ऊपर पैर लटका के नहीं बैठ. और मैंने ये वाला सूट जो है ना मेरा, ये तब उससे रखा था और आज यहाँ पहनना था इसीलिए ये रखा था. मतलब सिर्फ कुर्ता दुपट्टा और ये पजामा तो मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, तो ये जो सूट है कुर्ता ये मेरे को यही पहनना था, इसलिए मैंने अभी तक नहीं पहना था, नया पहन के. इतनी छोटी सी बच्ची यही वह खिलाने गई है. हम 6 बजे कुछ खाने के लिए निकल रहे हैं यहाँ, कुछ खाएंगे. हम तीनों ने कुछ नहीं खाया है सुबह से, कुछ खाएंगे उसके बाद अम्मी को लेंगे यहाँ से, क्योंकि अम्मी मगरिब तक बैठने वाली हैं यहाँ. उसके बाद हम फिर से आएंगे अम्मी के पास, अम्मी को फ़ोन देकर जा रहे हैं. अब हम यहाँ होटल सुकून से कुछ खा के सुकून पाएंगे 6:30 बजे. अम्मी के लिए लेके जा रही हूँ अब दरगाह के अंदर वापस. और अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, कल आप सुबह आप लोगों से मिलूंगी. हो सकता है मे भी हम पुश कर जाएं, तो अम्मी को खाना खिला के अब मगरिब की अज़ान हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो मैं ब्लॉग नहीं करूँगी. तो कल सुबह मिलते हैं.